थे मेकर्स की पहली पसंद, कौन हुआ किससे नाराज, कैसे आया राजेश इस फिल्म में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कहते हैं 70 और 80 का दशक में भारतीय सिनेमा अपने सुनहरे दौर में चल रहा था। उस वक्त जो कहानी लिखी गई और उन कहानियों पर जो फिल्में बनी वो अमर हो गई। एक से बढ़कर एक फिल्म जो तब भी सुपरहिट थी और आज भी सुपरहिट है, ऐसी एक फिल्म थी आनंद, जो बेहद ही खास थी। लेकिन राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के होने से ये फिल्म और भी खास बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना पहली पसंद नहीं थे और ना ही अमिताभ बच्चन थे। आनंद फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, जिनकी फिल्मों को उस दौर में खूब पसंद किया जाता था। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद को बनाने का फैसला किया तो उनकी पसंद थे किशोर कुमार और महमूद। बकायदा वो किशोर कुमार के पास फिल्म का ऑफर लेकर भी गए थे, लेकिन किन्हीं गलत फहमियों के चलते किशोर कुमार के वॉचमैन ने ऋषिकेश मुखर्जी को घर के अंदर ही नहीं आने दिया। इस बात से वो इतना खफा हुए कि उन्होंने किशोर कुमार संग काम ना करने की कसम खाई। वहीं बाद में महमूद ने भी फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद फिल्म का ऑफर राज कपूर और शशि कपूर को दिया गया। लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। आखिरकार ये रोल पहुंचा राजेश खन्ना के पास, जो उस वक्त स्टारडम के हाईएस्ट पीक पर थे। राजेश खन्ना को रोल भा गया और वो बन गए फिल्म के बाबू मोशाय। ये किरदार राजेश खन्ना पर इतना जचा कि उन्हें बाबू मोशाय के नाम से ही जाना जाने लगा। इस फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था कि अमिताभ बच्चन कौन है, लेकिन जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उसी दिन से अमिताभ बच्चन को हर कोई जानने लगा। इस फिल्म में उन्होंने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का रोल निभाया था। ऐसा भी माना जाता है कि ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने तब लिखी थी जब राज कपूर एक बार काफी बीमार हुए और ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि शायद वो जी नहीं पाएंगे। आनंद के 51 साल बाद अब इस सुपरहिट फिल्म के रीमेक को ऐलान कर दिया गया। फिल्म को समीर राज सिप्पी और विक्रम खाखर ने बनाने का फैसला लिया है। हालांकि फिल्म का डायरेक्शन कौन करेगा और लीड किरदारों में कौन कौन होगा ये फिलहाल तय नहीं किया गया, जल्द ही इसका भी ऐलान हो जाएगा। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कि आनंद का रीमेक बनना चाहिए या नहीं, अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।